सो हे गाइज, वेलकम बैक टू द ब्रांड न्यू वीडियो। आप लोग को टाइटल और थंबनेल देख के इवन काफ़ी सारे यूट्यूब पे ऐसे पोस्ट दिख गए होंगे जो आपको ये बता रहे हैं दैट BGMI कमिंग सून। तो आप लोग तो पहले ये सोच रहे होंगे कि वीडियो लेट क्यों डाला और अब क्या फ़ायदा, अब तो सबको ऑलरेडी पता चल गया है। सो बेसिकली मेरे जैसे काफ़ी ऐसे लोग हैं जो अभी जॉब कर रहे हैं बट उनका जो BGMI के लिए ना एक डिफरेंट लेवल का जो फीलिंग है उनको एक्सप्रेस करना है, और मैं भी कुछ वैसा ही करना चाह रहा हूँ ये वीडियो के थ्रू। जो मेरी फीलिंग है, जो मेरी एक्साइटमेंट है कि BGMI अब आने वाला है, तो उसको लेकर बेसिकली मैंने ये वीडियो बनाया है। सो बेसिकली आप सभी लोगों को काफ़ी समय से ये न्यूज़ मिल रहा होगा कि गेम जो है वो अब आएगा, कल आएगा, नेक्स्ट मंथ आएगा, और आप भी यही होप में थे कि यार गेम कब एक्चुअली आएगा। वो टाइम के बीच काफी सारे इन्फ्लुएंसर्स की वीडियो आपने फॉलो की, मैंने भी इवन फॉलो की, बट उस टाइम के बाद हमें मालूम चलता है कि गेम का अभी भी कोई होप नहीं है। बट देन सडनली दो दिन पहले मेरे हिसाब से एक ट्वीट आता है फ्रॉम द ग्लोबल ई स्पोर्ट्स फाउंडर कि गेम जो है वो कुछ अलग तरीके से, कुछ एक्साइटिंग चीज है उसके बारे में वो बोलते हुए उन्होंने वो ट्वीट को डाला था। एंड देन बूम हुआ था इंटरनेट पे, काफ़ी सारे जनों ने बोला था कि ट्वीट ये सब सारी चीज़ें ठीक है बट गेम की होप अभी भी नहीं दिख रही है। देन सडनली आज मॉर्निंग में होता है बूम, और वो बूम क्या होता है मैं आप लोग को सीधा स्क्रीन पे ले चलता हूँ और वन बाय वन मैं आपको दिखाता हूँ। ये ऑलरेडी आप सबको मालूम है, मुझे आइडिया है, बस मेरी एक्साइटमेंट है कि मैं आप लोग को ये शो। तो गाइस सबसे पहले जो उनका पोस्ट आता है कि जो आपकी जो बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया का जो यूट्यूब चैनल है अपना, उनके कम्युनिटी पोस्ट में जो पहला पोस्ट आता है क्राफ्टन की ओर से, उनका एक हेलमेट जो है बना हुआ है एंड इरेज करते हुए आता है कि इट्स टाइम टू स्विच ऑन योर नोटिफिकेशन। तो यहाँ पे ये मालूम चलता है ना कि अपने अपने नोटिफिकेशंस ऑन कर लो भाई, बहुत ही खतरनाक बूम होने वाला है। और फिर वो बूम ऐसा होता है कि मुझे लगता है 5 मिनट्स राउंड अराउंड में एक नया एक उनका पोस्ट आता है, और वो पोस्ट में ना कुछ काफ़ी एक लेंदी सा चीज़ होता है। मैं चाहूँगा कि मैं आपको पढ़ के बताऊँ ताकि मुझे भी अच्छा लगे और आपको भी अच्छा लगे। उस टाइम पे ये होता है कि वो पोस्ट होता है जो मैं भी पढ़ूंगा आगे जाके, वो पोस्ट के साथ एक इमेज अटैच्ड होता है जिस इमेज में जो BGMI का जो अपना लोगो आता है जब भी कोई एक पर्सन है अपना वो हेलमेट लगा के, एंड देन वहाँ पे नीचे स्टे ट्यून का ऑप्शन आ रहा है एंड BGMI क्राफ्टन का लोगो लगा हुआ है। देन जो उसमें जो फीलिंग्स होती है वो ये होती है कि वी वुड लाइक टू एक्सप्रेस अवर डीप अप्रिसिएशन टू इंडियन अथॉरिटीज़ फॉर परमिटिंग अस टू रिस्टार्ट द ऑपरेशन ऑफ बैटल ग्राउंड्स मोबाइल इंडिया, यानी कि BGMI को स्टार्ट करने की उनको परमिशन जो है वो अथॉरिटी जो है वो मिल रही है। देन आता है एज अ रिस्पॉन्सिबल साउथ कोरिया कंपनी दैट एबिड्स बाई द लॉ हैज़ पुट इन अ सर्वल मेजर टू इंश्योर कंप्लियंस टू ऑल इंडियन लॉ, वी आर कमिटेड टू प्रोवाइड अ सेफ एंड इंजॉयबल एक्सपीरियंस फॉर अवर प्लेयर एंड वी विल कंटिन्यू टू वर्क टायरलेसली टू इंश्योर दैट वी मेंटेन हाई पॉसिबल स्टैंडर्ड। यानी यहाँ पे वो बता रहे हैं कि मैं सारी चीज़ों को हम लोग ने एक सेफ वे में, इंजॉयबल में एक्सपीरियंस देना है हमें हमारे प्लेयर को जो भी आएंगे, अब जो वापस स्पोर्ट्स अगर आता है तो। देन फिर आता है एट क्राफ्टन वी आर अवर डीपली कमिटमेंट टू द इंडियन गेमिंग इकोसिस्टम, अवर अप्रोच हैज़ ऑलवेज बीन इंडिया फर्स्ट, वी सर्व एज द फाउंडेशन ऑफ ऑल अवर एफर्ट्स, वी बिलीव इन इन्वेस्टिंग इन द इंडियन गेमिंग इंडस्ट्रीज एंड कंट्रीब्यूटिंग टू बिल्ड अ वेरियंट इकोसिस्टम दैट फोस्ट ग्रोथ एंड इनोवेशन। To achieve our mission, we aim to augment technology's development in India by collaborating with the local developers and promoting the use of cutting-edge technologies. We also reorganize the importance of providing skilling and employment opportunities for Indian talented, which can help them nourish their skill and drive in the industries. मतलब ये जो पूरा इनका था कि जिस तरह से उनको सपोर्ट मिला है इंडियन की कम्युनिटी से, इसको अप्रूव ले जाने में, सारी चीज़ों को मैनेज करने में, और इनका जो सारी चीज़ों से कोलैब करना का, जो इनकी टेक्नोलॉजीज थी उनसे बिल्ड करना और लोकल डेवलपर से कनेक्टेड होके इनका जो माइंडसेट है कि किस तरह से अब इनको इंडिया के जो टैलेंट्स हैं उनको काफ़ी ज़्यादा न्यू अपॉर्चुनिटी, न्यू स्किल के साथ इनको रिकॉग्नाइज करना है। देन वो एक थैंकफुल मैसेज भी नीचे लिखते हैं कि वी आर ग्रेटफुल टू अवर इंडियन गेमिंग कम्युनिटी फॉर देयर सपोर्ट एंड patience over the past few months. We are excited to announce that Battlegrounds Mobile India will be available for download soon and we cannot wait to welcome you back to our platform. We believe in the power of gaming to bring people together and create unforgettable experience.
वी आर कमिटेड टू डिलीवर एक्सपेक्टेशंस प्रोडक्ट एंड सर्विस टू अवर यूजर्स इन इंडिया एंड बियॉन्ड एंड वी लुक फॉरवर्ड टू कंटिन्यू अवर जर्नी विथ यू। यानी यहाँ पे उन्होंने क्लियर वर्ड्स में लिख दिया कि बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है, जैसा मैं भी आप लोग को लग रहा हूँ, आप सभी हैं, कि गेम जो है वो वापस आ रहा है। और उसी तरह से यार अभी जैसे ही आप लोग BGMI ओपन करोगे ना, तो आपकी एक्साइटमेंट और भी ज़्यादा श्योर हो जाएंगी कि BGMI इज रियली रियली कमिंग बैक सून। बिकॉज कैसा हो रहा है ना कि BGMI आप जैसे ओपन कर रहे हो, अभी मैं यहाँ पे ओपन कर रहा हूँ, तो हो ये रहा है कि वो एक मैसेज पॉपअप कर रहा है कि जिस तरह से अभी आप यहाँ पर रीड कर सकते हो कि हाँ अभी हमारा कुछ डेवलपमेंट चल रहा है, कुछ एक्साइटिंग चीज़ है, तो हम लोग उसको लेकर कमिंग बैक आ रहे हैं, हम लोग वापस आ रहे हैं। ये मैसेज यहाँ पे शो कर रहा है एंड देन एक वापस एक पॉपअप मैसेज आ रहा है कि अब भाई आप यहाँ पर लॉगिन नहीं कर सकते, और ये वापस आपको वापस लॉगिन पेज पे भेज दे रहा है। सो इट इज़ प्रिटी श्योर दैट गेम विल रियली रियली कमिंग बैक सून, वेरी वेरी सून। एंड नाउ मैं भी रेगुलर यहाँ पर वीडियोज डालूंगा। बीच में थोड़ा सा मैं इनएक्टिव हो गया था बिकॉज ऑफ सम पर्सनल इशूज, पर्सनल थिंग्स, कुछ चीज़ों को लेकर कॉम्प्लिकेट थी थोड़ी। अभी आप लोग को रेगुलर वीडियोज मिलेंगी, मॉन्टाजेस भी मिलेंगी, सारी चीज़ें मिलेंगी। सो तब तक के लिए बाय बाय एंड बी हैप्पी एंड बी एक्साइटेड फॉर द BGMI। स्टे ट्यून्ड।